जब लंका के राजा रावण ने देवी सीता का हरण करके उन्हें अपने अशोक वाटिका में कैद करके रख लिया था, तो शोक में डूबी देवी सीता जी ने 2 माह तक कुछ नहीं खाया था और ना ही 2 माह तक अपने वस्त्र बदले थे। जब भगवान श्री राम अपने वनवास के आरंभ में चित्रकूट नामक वन में निवास कर रहे थे, तब उनके छोटे भाई भरत के साथ उनका पूरा परिवार उन्हें वापस लिवा ले जाने के लिए आया था, परंतु भगवान श्री राम ने अपने स्वर्गवासी हो चुके पिता राजा दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन करने से मना कर दिया था। तब भरत वहां से भगवान श्री राम जी के पैरों से स्पर्श की हुई खड़ाऊं लेकर वापस चले गए थे। भगवान श्री राम उस चित्रकूट वन में अपने परिवार वालों से मिल चुके थे, इस कारण वह उनकी यादें भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वह उस वन को छोड़कर किसी दूसरे वन की तरफ चल दिए थे। इस तरह भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में चलते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के दर्शन करते हैं। यह सती अनुसुईया वही थी जिन्होंने 10 वर्षों तक पानी न बरसने के कारण पृथ्वी पर पड़े उस विकराल सूखे में अपने तप के बल पर मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा बहा दी थी और वहां के पेड़ पौधों में फल फूल उगा दिए थे। सती अनुसुईया ने 10,000 वर्ष तक तपस्या कर ऋषियों के विघ्नों का निवारण किया था। एक बार देवी अनुसुईया ने देवताओं के कार्य के लिए 10 रातों की एक ही रात बना दी थी, यानी कि तब तक सूर्य के उदय होने पर ही रोक लगाती थी। इन्हीं देवी अनुसुईया ने अपने आश्रम पर अतिथि के रूप में आई देवी सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र भेंट किए थे जो कभी भी मैले नहीं होते थे। अशोक वाटिका में कैद देवी सीता के शरीर पर देवी अनुसुईया के दिए हुए वही वस्त्र थे, इसी कारण देवी सीता के वह दिव्य वस्त्र कभी मैले नहीं हो सकते थे। रावण देवी सीता को सबसे पहले अपने अंतापुर यानी हरम में ले गया था और अपनी धन दौलत और वैभव को दिखाकर देवी सीता को लुभाने का प्रयास करता रहा था, परंतु देवी सीता जिनका मन अपने पति परमेश्वर श्री राम में लगा हुआ था, उन्होंने रावण के सारे वैभव को ठुकरा दिया था और अपने प्रभु श्री राम को याद करती रही थी। तब विवश होकर महाबली रावण ने अपने 10 मस्तक सीता जी के चरणों पर रख दिए थे और देवी सीता से यह कहा भी कि रावण किसी स्त्री को सर झुकाकर प्रणाम तक नहीं करता है, परंतु तुम्हारे सामने झुक गया है, मेरी विनती मान लो और मेरी पत्नी बनकर मंदोदरी समेत मेरी सभी रानियों पर शासन करो। परंतु तब भी देवी सीता ने रावण का तिरस्कार करते हुए यही कहा था कि मेरे पति भगवान श्री राम के हाथों तेरा विनाश होना निश्चित है। तब रावण क्रोध में आकर देवी सीता से कहता है, 2 माह का समय दे रहा हूं, इतने दिनों में यदि तुम राम को भुलाकर स्वेच्छा से मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। उसके बाद रावण ने राक्षसियों से कहा कि इसे अशोक वाटिका में ले जाओ और इसके अहंकार को दूर करो। रावण के आदेश पर कई राक्षसियां देवी सीता को लेकर अशोक वाटिका में चली आई थी। शोक में डूबी देवी सीता अपने प्राण त्यागने के लिए खाना पीना त्याग देती हैं। तो यह देखकर परमपिता ब्रह्मा जी बुरी तरह घबरा जाते हैं और वह देवराज इंद्र को बुलाकर कहते हैं कि देवताओं के हित और राक्षसों के विनाश के लिए रावण ने देवी सीता का हरण करके उन्हें अपना कैदी बना लिया है, परंतु देवी सीता ने भगवान श्री राम के शोक में खाना पीना छोड़ दिया है, इस प्रकार तो वह अपने प्राण त्याग देंगी, इसलिए तुम शीघ्र लंका जाओ और देवी सीता के खाने का कुछ प्रबंध करो। परमपिता के आदेश से इंद्रदेव खीर से भरा एक कटोरा और निद्रा देवी को साथ लेकर लंका पहुंच जाते हैं। वहां जाकर निद्रा देवी से विनती करते हैं कि आप राक्षसों को मोहित करो, तो देवी निद्रा सभी राक्षसों और राक्षसियों को मोह निद्रा में डाल देती है, जिसके कारण वह सभी सो जाते हैं। तब देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी देवी सीता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि माता, मैं इंद्र हूँ और आपके लिए यह खीर लेकर आया हूँ,
आप इसे खा लेंगी तो आपको हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। परंतु देवी सीता इंद्र को भी कोई मायावी राक्षस ही समझती हैं, इसलिए इंद्र से कहती हैं कि यदि तुम इंद्र हो तो मुझे अपने देवता होने के लक्षण दिखाओ। तब देवराज इंद्र देवी सीता को अपने देवताओं के लक्षण दिखाते हैं और साथ ही देवी सीता को यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान श्री राम रावण का वध कर आपको ले जाएंगे। इंद्र के ऐसा कहने पर देवी सीता ने इंद्र की लाई हुई उस खीर को खा लिया था। इसी कारण देवी सीता 2 माह तक उस अशोक वाटिका में भूखी प्यासी रह पाई।